वृक्षारोपण जन आंदोलन वन महोत्सव 2022 का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो आइए देखते हैं संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के अंतर्गत थाना हथगांव के अंतर्गत ग्राम सेमरा पोस्ट सेमरा मानापुर में 44 एकड़ में झील का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 5/7/2022 को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अभय प्रताप सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत फतेहपुर, आशीष मिश्रा जिला अध्यक्ष भाजपा फतेहपुर, सुजाता शर्मा सचिव अवस्थापना औद्योगिक विकास MD पिकअप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री सत्य प्रकाश जी, अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक रामानुज त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी सदर ग्राम प्रधान सुरेश कुमार मौर्य, जनता इंटर कॉलेज स्काउट गाइड सुखदेव सिंह इंटर कॉलेज खागा NCC के छात्र उपस्थित रहे, साथ ही महिलाएं भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सुजाता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश से वन महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं, जो 3 करोड़ में हम मनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 33 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। इस क्रम में हमारे ज़िले फतेहपुर में लगभग 50 लाख के आसपास पौधे 3 चरणों में लगाए जा रहे हैं। इसमें से आज लगभग 35 लाख पौधों का पौधारोपण करने का दायित्व हम सब पर है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपना संदेश दिया, सभी लोगों का फोकस था एक बात पर, हमारी प्रकृति हमारा पर्यावरण है कैसे बदल रहा है। सभ्यता और संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों से पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना की दुआबा क्षेत्र रहते हैं, आप जनमानस को दोनों ही नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव रुकता है और जल स्तर भी बढ़ जाता है। पौधे क्लाइमेट तैयार करते हैं जिससे तापमान में गिरावट आती है। इतना बड़ा लक्ष्य आप लोगों का है, इतने बड़े पौधे लगाना आपकी सफलता नहीं, प्रोग्राम की सफलता इस बात पर, आज आपने जो पौधे लगाए हैं उनसे कितने पौधे जीवित हैं, कितनों को हम बचा पाए, हमें ये बाध्यता अपने ऊपर लेनी होगी कि हम जो पौधे लगाए हैं उनको सिंचित करके उनको जीवित रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लखनऊ से फतेहपुर जो नोडल अधिकारी हैं, हमारी बहन सुजाता जी जो सीनियर IAS हैं और औद्योगिक विकास के सचिव हैं, उसके साथ साथ पिकअप बहुत बड़ी संस्था है उसके MD भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप फतेहपुर आए, इस जनपद के न्यायप्रिय कानून की व्यवस्था कोने कोने तक पहुंचाने वाले, गरीबों की एक आवाज से तुरंत कार्रवाई करने वाले न्यायप्रिय अधिकारी, फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम लोग इस सेमरा मानापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जिले की जिलाधिकारी अपूर्वा दिवे जी अस्वस्थ हैं, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं आ पाई हैं। उनके साथ साथ से जिले का जो विकास कराते हैं, विकास की चाबी जिनके हाथ में है, ऐसे हमारे अधिकारी CDO मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश जी, हमारे ADM साहब जो फाइनेंस की व्यवस्था जनपद की देखते हैं, विनय पाठक जी, जिले के DFO साहब, हमारे बीच में फतेहपुर सदर के ADM साहब मौर्या जी, अभी खागा में नए ADM साहब आए हैं मनीष जी, पहला चार्ज है खागा का। हमारे साथ जिला पंचायत जिसके प्रस्ताव से हम लोग यहाँ काम करा रहे हैं, हमारे अपर मुख्य अधिकारी, हमारे सारे JEE, जिला पंचायत के जितने हमारे अधिकारी पूरे तन्मयता से यहाँ लगे हुए हैं,
साथ में जिन लोगों ने हमारे इस बजट का प्रस्ताव पास किया है, जिला पंचायत सम्मानित सदस्य हमारे हैं यहाँ पे, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। चंद्रशेखर फौजी जी हैं, राजेश सोनी जी हैं, मुनेश्वर सिंह जी हैं, गिरीश सिंह जी हैं, संतोष लोधी जी हैं, अशोक यादव जी हैं, ये हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य की वीडियो साहब, साहब, एडीएम साहब, कोई नई बात मैं नहीं बताऊंगा, जो अभी बताया गया है। देखिए इस समय कोरोना में हम लोगों ने देखा है ऑक्सीजन किस तरह से किल्लत पड़ी, और ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत वृक्ष है। वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसको संरक्षण दीजिए। आप उसकी एक बार सेवा करेंगे तो कई पीढ़ियों तक आपकी सेवा करेगा। माताओं बहनों से मेरा आग्रह है, अपने आंगन में छोटा सा पौधा एक नींबू का लगा लीजिए, एक अमरूद का लगा लीजिए, बहुत जगह नहीं लेगा और आपको फल देगा, आप उसकी सेवा भी कर सकती हैं। अगर हर महिला अपने आंगन में दो दो पौधे लगा ले तो न जाने लाखों पेड़ अपने जनपद में, कई लाख पौधे लग सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, वृक्ष लगाइए, उसकी संरक्षा भी करिए, ताकि भविष्य आपका अच्छा रहे, बच्चों को सबको भविष्य में अच्छा ऑक्सीजन मिल सके। एक अच्छे भारतीय नागरिक का, एक जागरूक भारतीय नागरिक का परिचय दीजिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जिनके मार्गदर्शन में जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है और जिनकी प्रेरणा हम सबके लिए वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प है, ऐसे हमारे प्रदेश के नोडल अधिकारी जो आई हैं, आदरणीय सचिव महोदय साहब से निवेदन करूंगा, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। हेलो, सभा को मेरा नमस्कार। आज वन महोत्सव प्रोग्राम में उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष फतेहपुर श्री अभी प्रताप सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री सत्य प्रकाश जी, अपर जिलाधिकारी श्री विनय कुमार पाठक जी, प्रभागीय निदेशक डीएफओ श्री रामानुज त्रिपाठी जी, उप जिलाधिकारी खागा श्री मनीष कुमार जी, उप जिलाधिकारी सदर, अन्य मंचासीन सम्मानित जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान जी,